रांची डायरीज को कॉमिक थ्रिलर कहा गया था, पर फिल्म देखने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि इस फिल्म में कॉमेडी और थ्रिल एक साथ कहां मिलेगी। सात्विक मोहंती की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कई जगह कमजोर नजर आई। डार्क कॉमेडी और करप्ट पॉलिटिक्स ये इस फिल्म की स्टोरी लाइन है, पर इस फिल्म के कैरेक्टर्स की एक्टिंग इस ह्यूमर को क्रिएट करने में नाकामयाब रही। पिंकू यानी ताहा शाह, जो कि गुंडा है और साथ में एक फूड स्टॉल भी चलाता है, उसका दोस्त मोनू शहर में एक अच्छी नौकरी और जहां बस जाने के सपने देख रहा होता है, इस मोनू का दिल गुड़िया यानी सौंदर्या शर्मा पर आया है, जो एक सिंगर बनना चाहती हैं। इन सब के बीच ठाकुर भैया यानी अनुपम खेर, जो एक करप्ट पॉलिटिशियन है, गुड़िया को पसंद करता है। पिंकू, मोनू और गुड़िया तीनों मिलकर एक लोकल बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, पर उनका प्लान तब फेल हो जाता है जब उन्हें नक्सलवादी मुखिया बैंक में किडनैप कर लेता है। जिमी शेरगिल, जो कि इस फिल्म में पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, इस पूरी केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नए स्टार कास्ट की एक्टिंग जोर नहीं पकड़ पाई, पर जिमी शेरगिल की एक्टिंग ने इस फिल्म को थोड़ा एंटरटेनिंग जरूर बनाया। सात्विक मोहंती ने फिल्म लिखी तो कॉमिक थ्रिल के विजन से ही है, पर वो शायद उसे अपने डायरेक्शन में ठीक से दिखा नहीं पाए। ओवरऑल रांची डायरीज इस वीकेंड के लिए उतना अच्छा चॉइस नहीं है। हम इस फिल्म को देते हैं 2 स्टार्स।